Happy International Yoga Day to my all lovely viewers and subscribers. So guys, in this video, I wanted to tell you about yoga. Please watch it. 4th से 6th century के बीच पाणिनि नाम के एक महान ऋषि हुए, जिन्होंने संस्कृत का ग्रामर डेवलप किया था। ऋषि पतंजलि उनके एक शिष्य थे। उन्होंने भी अपने गुरु की तरह कई संस्कृत की बुक्स लिखी, जिनमें से एक थी योग सूत्र। बहुत से लोग मानते हैं कि पतंजलि ऋषि भगवान शेषनाग के अवतार थे, और आपको इंडिया में बहुत सी जगह इस तरह की पिक्चर्स और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। सो व्यूअर्स, अपनी बुक योग सूत्र में उन्होंने योग को 8 भागों में बांटा था, जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में योगा के बारे में अमेरिकन्स को बताया। फिर 1920 में परमहंस योगानंद जी ने बोस्टन के में कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस लिबरल के माध्यम से क्रिया योग को पश्चिमी देशों में फैलाया। थियोस बर्नार्ड 1947 में जब भारत से वापस गए, तो उन्होंने हठ योग पर अपनी एक बुक पब्लिश की। इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में योगा ने धूम मचा दी। ये दोनों महिलाएं दुनिया की सबसे बूढ़ी योगा टीचर्स हैं। पहली है गिनीज वर्ल्ड बुक अवॉर्डी ताउ पोर्चन लिंच, जो कि 101 साल तक योगा सिखाती रहीं। दूसरी हैं नन्मल अम्मा, जो कि पद्मश्री अवॉर्डी हैं। इन्होंने 99 साल तक योगा सिखाती रही। ऋषि मुनियों के द्वारा योगा हमारे लिए गिफ्ट की तरह है, जिसे हमें यूज करना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।